जब साइटिका का एक सिम्टम्स है, जब भी किसी को साइटिका पेन होगा, यानी कि एक तरफ पेन आता है या दोनों तरफ भी जा सकता है, अलग अलग कंडीशन होती है, दोनों तरफ भी जा सकता है, एक तरफ भी आ सकता है, केवल थाइज में आ सकता है, हो सकता है उसकी काफ मसल तक पेन आए, हो सकता है उसके नी पे यहाँ तक हील तक भी पेन आए, क्योंकि साइटिका की अलग अलग ब्रांचेज है, जिस ब्रांचेज के हिसाब से उसमें पेन आएगा, जो कंप्रेशन होगी उस हिसाब से उसमें पेन आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अंगूठे को आपने चेक करना है कि अंगूठे की पोजीशन क्या है। अगर नॉर्मल पेशेंट है, अगर किसी को उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो ये लगभग दोनों अंगूठे बराबर आएंगे, बिल्कुल सीधे लेटे होने चाहिए, टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए। जब हम चेक करेंगे दोनों पैरों को मिलाकर और अंगूठों को नीचे लेके जाएंगे, तो देखेंगे कि अंगूठे बराबर होने चाहिए। अगर अंगूठे बराबर नहीं है, मान लीजिए अंगूठे इस तरीके से है, यानी कि ये अंगूठा छोटा है, ये बड़ा है, तो इसका मतलब कि इनको इस पैर का साइटिका होगा। अगर मान लीजिए ये कंडीशन ऐसे होती, तो इसका मतलब कि इस पैर में साइटिका की वजह से पेन होगा। और 99% पेशेंटों को ऐसा ही माना गया है डायग्नोस के आधार पर, कि जो पैर छोटा होता है जब हम चेक करते हैं, तो यानी कि वो उधर ही वाला पैर में ही पेन पाया जाए। तो दोनों एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। तो हमने यहाँ से चेक करा साइटिका का, और जैसे हम लोग, जैसे मान लीजिए इनका ये पैर छोटा है, तो इस पैर में पाउडर लगाकर, मैंने पहले भी बताया था, इस हाथ को नीचे की तरफ रखते हैं, ऐसे करके एक हाथ को नीचे रखिए और यहाँ पाउडर लगाकर इस हाथ को, इस पैर को हल्के से ट्विस्ट नीचे की तरफ करना है, और यहाँ 6 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। 3 बार इस क्रिया को दोहराएंगे। जो पैर छोटा है उस पैर में पाउडर लगाकर, यहाँ पूरा पाउडर लगाते हैं और इस पैर को नीचे की तरफ ट्विस्ट करते हैं, ठीक है। ये पैर बड़ा था, इस पैर के नीचे फिर हाथ लगाएंगे और इस पैर को पीछे की तरफ ट्विस्ट करेंगे, 3-6 सेकंड ये होल्ड करेंगे और वापस, फिर 6 सेकंड ये होल्ड करा, फिर वापस, फिर 6 सेकंड ये होल्ड करा, फिर वापस। तो 3 बार इसको आगे करेंगे, 3 बार इसको पीछे करेंगे, फिर दोनों को एक हाथ से इसको नीचे करेंगे और इसे एक हाथ से इसको ऊपर करेंगे, ठीक है। ये भी 6 सेकंड के लिए, ये 6 सेकंड के लिए ऊपर जाएगा, ये 6 सेकंड के लिए नीचे जाएगा। सर, जो छोटा था उसको नीचे ले जाएंगे, जो बड़ा है उसको ऊपर लेके, जो छोटा था उसे नीचे करके लेकर आएंगे, जो बड़ा है उसे पीछे की तरफ लेके जाएंगे। ये हर एक क्रिया को हमने 3 बार इस प्रोसेस को दोहराया है, ठीक है। इसके बाद में लास्ट में दोनों पैरों को एक साथ ऊपर करेंगे और दोनों पैरों को एक साथ नीचे करेंगे, ये केवल एक बार ही करेंगे, 6-6 सेकंड के लिए करेंगे। इसको एक आम भाषा में हमने साइटिका सेटिंग का नाम दिया है। ये फिजिकल पॉइंट है, फिर मैंने बताया कि केमिकल पॉइंट्स, अलग अलग ट्रीटमेंट हो सकते हैं। अभी हमने केवल फिजिकल पॉइंट, यानी कि तुरंत उसमें क्या राहत आ सकती है, कैसे पेन को कम किया जा सकता है, उस तरीके का ये फिजिकल पॉइंट दे सकते हैं। तो इसको बोला हमने साइटिका सेटिंग।